नमस्कार दोस्तों, डेनिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की क्लासेस रन कर रही है, जिसमें कि आज आपका बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका हम लोग यूनिट देख रहे हैं। ठीक है, उसका हम लोग यूनिट देख रहे हैं और हमारा जो उसका फर्स्ट यूनिट ही है उसमें हमारा सिक्वेंस जो टॉपिक था वो हमारा कम्प्लीट हो चुका है। ये जो सिक्वेंस हमारा कम्प्लीट हुआ है वो हमारी तरफ से कम्प्लीट हुआ है। आपका कोई डाउट है, कोई और चीजें हैं तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैं लाइव हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि किस बच्चों को किस में किस जगह पे प्रॉब्लम है और मुझे बताइए। आगे भी अगर आप अभी मान लीजिए अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको बाद में भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपके और भी जो डाउट है वो भी क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कई सारे क्वेश्चन भी आपको इसमें कराए हैं सिक्वेंस के, आप एक बार देख लीजिएगा। कई से जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अगर आप उतना तैयारी कर लेते हो तो सिक्वेंस में इनफ है। उसमें सही मैंने कॉची फर्स्ट रूल बताया था, कॉची लिमिट ऑफ सेकंड रूल मैंने बताया था, कॉची फॉर्मूला मैंने बताया था, उससे लिमिट निकालते हैं कैसे, कब कौन सी चीजें लगाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, सैंडविच थ्योरम मैंने बताया। तो सीक्वेंस में मैंने लॉट्स ऑफ चीजें मैंने आपको बताया है। कोशिश ये रहेगा, कुछ थ्योरम का भी मैंने प्रूव कराया है, आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी चीजें किसी भी जगह डाउट होगा तो यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। समझ रहे हैं, क्लियर है? हम ये डीएनएस जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, बस आप समझिए। आपको बस ये समझना है कि आपको किस जगह पे डाउट हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन हमारा है सीरीज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सीक्वेंस हमने कंप्लीट किया, अच्छा लगा, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। अभी मुझे टाइप करिए कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे आप जल्दी जल्दी मुझे बताएं। और सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आपको लगा कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और सीरीज की बात करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बच्चे का हमारे पास कमेंट आया था, उसने बताया था कि सर सीक्वेंस में आपने क्या पढ़ा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये बात तो मैं वही समझना चाहता हूँ, अब कुछ नहीं समझ में आया ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी मुझे बताएंगे उनको समझ में कैसा आया, किस तरह से आया, कैसा आया। क्योंकि देखिए, मेरा यहाँ पे काम क्या है, मेरा एक्चुअली में काम क्या है, आपको समझाना है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि बच्चों को किस जगह पे समझ, मुझे बताया कि ढंग से बताया कि भाई किस जगह पे प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रहा है, कौन सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है। तो आप मुझे जब तक बताएंगे नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा। तो आप बस ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो ये चीजें थोड़ा सा ऑड लगता है। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूंगा अगर जिन बच्चों को कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर मुझे बताएं। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। आज के मेरी जो टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज की अगर बात करेंगे, पहले सीरीज की बात करते हैं फिर उसकी कन्वर्जेंसी की बात करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी सीरीज का सम, पहले सीरीज होता क्या है, जो भी सिक्वेंस होता है, जितने भी आपने सिक्वेंस पढ़ा तभी सिक्वेंस के बीच में आप प्लस डाल दीजिए। जैसे आप 1/n पढ़ते थे तो 1, 1/2, 1/3, 1/3 ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे ना। वन मतलब सीक्वेंस में 1/n को क्या लिखते थे, टर्म कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, डॉट डॉट ये सब लिखते हैं। अब जो कॉमा लिख रहे हैं ना, 1, 1/2, 1/3, 1/4 जो आप लिख रहे हैं ना, इसी के कॉमा के प्लेस पे आप प्लस डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, प्लस डाल दीजिए। तो 1 लिखिए, प्लस 1/2 लिखिए, प्लस 1/3 लिखिए, प्लस डॉट 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 ये सभी चीजें आप लिखिए। समझ रहे हैं, 1 लिखिए, प्लस 1/2, प्लस 1/3 डॉट डॉट इस तरह लिखेंगे तो ये आपका सीरीज बन जाएगा। तो किसी सीक्वेंस से ही सीरीज बनता है। तो सीरीज का डिफिनेशन अभी मैं दिखाऊंगा, आपको सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज हमारा, कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट कब होता था, आप एक मिनट के लिए सोचिए, कोई सीक्वेंस हमारा कब कन्वर्जेंट होता था। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एक बार अपने नाम को जल्दी हमें बता दें, हमें पता चले कौन है जो बच्चे हमारे साथ प्रॉपर हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारे साथ है, सीक्वेंस मैंने बताया था कोई भी सीक्वेंस हमारे कन्वर्जेंट कब होते हैं, तो आप ये कहते हैं लिमिट एंड इंडिसिमिलिटी, यूएन बराबर या फिर एक्सएन बराबर अगर फाइनाइट आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, कोई भी सीरीज हमारा कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसका सम, कोई भी सीरीज का अगर सम फाइनाइट आता है ना तो वो सीरीज हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी सीरीज का सम वो भी इनफिनाइट तक, सोचिए किसी सीरीज का सम वो भी इनफिनाइट तक अगर फाइनाइट नंबर आ जाता है, एक फाइनाइट नंबर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज बोलते हैं। मतलब समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और ये होता है, ऐसा कई सारे सीरीज मिलेंगे जिनका सम फाइनाइट होता है। ठीक है, आइए डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला डेफिनेशन है इनफिनाइट सीरीज, लेट यूएन, यूएन हमारा क्या है, सीक्वेंस है। देखिए अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अभी पहले जो रीडिंग करते थे वहां पे आप एक्शन देखते थे, क्या देखते थे, एक्शन देखते थे, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं आप, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना,
क्योंकि कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप एक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूएन लिखा गया है, जो आप एक्शन कर रहे हैं तो वही यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूएन लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं जो यूएन होता है, जो यूएन होता है वो क्या है, बी अ रियल सीक्वेंस, क्या है रियल सीक्वेंस है। देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, यूएन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 यूएन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। एक बात मैं और बता दूं, कुछ बच्चे इस पे भी कमेंट किए थे कि सर ये जो आप इस तरह से कराते हैं, आप लिख लिख के कराइए मुझे जैसे पहले कराते थे। बेटा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आपके टाइम का ही सेफ है, आपके टाइम की बचत है। मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, आपको हर चीज समझ में आएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। आदत नहीं है ऐसे टाइप करके आपको पढ़ने की, लेकिन अब धीरे धीरे वो आदत आ रही है। एक यूनिट पे दिक्कत हो सकता है, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे में जैसे आप एंटर करेंगे आपको सब कुछ यही चीजें इस तरह से फॉर्मेट पे आपको जब मिलेगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यूएन हमारा क्या है, ये रियल सीक्वेंस है। अगर आप यूएन की बात करते हैं तो यूएन कैसे लिखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो यूएन को आप कैसे लिखेंगे, आप यही नहीं लिखते हैं यूएन लिखते हैं, यू टू लिखते हैं, यू थ्री लिखते हैं, डॉट डॉट इस तरह लिखते हैं कि नहीं। तो इसको हम अगर सम के फॉर्म में लिख दें, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 यूएन, इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज। मैंने भी आपको ये बताया था, जो आप यूएन कॉमा यू टू कॉमा यू थ्री करते थे उसी जगह अगर आप प्लस कर देते हैं तो फिर आपका जो होगा वो आपका सीरीज बन जाएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड एन इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रुका नहीं है, वो चलता जाता है, ठीक है, ये रुका नहीं है, चलता जाता है, इसलिए इसको इनफिनाइट बोलते हैं। द एबव सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन। देखिए जब सीरीज जैसे सीक्वेंस में है तो हम ऐसे नोटेशन यूज करते हैं, लेकिन जब सीरीज आएगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू n, इसको क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, ठीक है। समेशन n इक्वल टू 1 टू n, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बोला है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। मान लीजिए n अगर नहीं लिखा है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, समेशन में un, इसका मतलब है n बराबर 1 से इनफिनिटी, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, जो सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स है वो sn बनाया गया, ठीक है। nth टर्म का जो सम है वो क्या है, वो sn बनाया गया। जैसे s1 की बात करेगा तो आप लिखेंगे u1, मतलब पहले टर्म्स तक का सम। s2 की बात करेगा तो दो टर्म्स लेंगे, u1 plus u2। इसी तरीके से sn की बात करेगा तो un plus u2 plus dot dot un। अब देखिए करना क्या है, द सम्स s1 comma s2 comma s3 ये आर कॉल्ड द पार्शियल सम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम पार्शियल सम बोलते हैं। s1 को क्या बोलते हैं, s2 को क्या बोलते हैं, ये सभी सम ही हैं। s1 क्या है, पहले टर्म तक का सम है, s2 क्या है, दूसरे टर्म तक का सम है, sn क्या है, nth टर्म तक का सम है। तो इनको हम बोलते हैं पार्शियल सम। क्या बोलते हैं, पार्शियल सम बोलते हैं। पूरी तरीके से नहीं नहीं ऐड कर रहा है, ठीक है, आर कॉल्ड पार्शियल सम। इट इज ऑब्वियस दैट n इज इक्वल टू 1 टू n un, जो इसकी वैल्यू होगी ना, इस सम की जो वैल्यू होगी ना, जो इस सम की वैल्यू होगी वही वैल्यू लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी sn जो होगा वो भी आपका ये वैल्यू। ध्यान रखिएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी है ये, आप इसको थोड़ा मेंशन कर दीजिए, ये लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी है। क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी है, ये क्या है आपका, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी है। क्लियर है ना, ये जो बनाया है यहाँ से लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी और sn का यूज कर रहा है यहाँ से। क्या यूज करेंगे आप, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी, n tendings to, आप क्या लिखेंगे, limit n tendings to infinity लिखेंगे, ठीक है ना, n tendings to infinity आप लिखेंगे, ठीक है, n tendings to क्या लिखेंगे, infinity। यहाँ पे क्या लिखेंगे, limit है, ये log कहाँ से आ गया, limit होगा यहाँ से, ठीक है, limit n tendings to infinity, यहाँ पे n कर लीजिएगा, limit n tendings infinity हो जाता है ये, ठीक है, ये क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। आप लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी की बात करिए या फिर आप उसकी बात करिए, वो दोनों जो रहेगा वो आपका सेम आता है, ठीक है, लिमिट कर लीजिएगा यहाँ पे। नहीं चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं क्यों नहीं चल रहा है, लिमिट कर लीजिएगा यहाँ पे, देख रहे हैं चल ही नहीं रहा है ढंग का, हो क्या गया है इसको, हम्म,
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, सही से काम ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। इसको हटा के लिख देना चाहिए था वहां से लिमिट। ठीक है चलिए देखते हैं। कोई बच्चा टाइप भी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई जुड़ा ही नहीं है। क्या जुड़े तो कई लोग हैं लेकिन मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। मत करिए। लिमिट एंड इनफिनिटी एसएन जो है वो आपको बता रहा है। ठीक है ध्यान से देखेंगे। ये जो एसएन आप बना रही है एक्चुअली में है क्या? जैसे S1 है, S2 है, S3 डॉट SN है। तो आपको ये समझना है इस सीरीज का जो सम होगा ना, इस सीरीज का जो सम होगा वो वही होगा जो SN, लिमिट एंड इनफिनिटी SN होगा। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि SN है क्या? SN जो है nth टर्म का सम है, और इसी को लिमिट एंड इनफिनिटी मतलब इसी सम को हम इनफिनिटी तक कर रहे हैं। तो जो लिमिट एंड इनफिनिटी जो SN आएगा वो लिमिट हमारा क्या होगा? UN होगा। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और इसको आप समझिए, वही से आपको सबको समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सीरीज हम लेते हैं, क्या लेते हैं? 1/2 के पावर n, एक सीरीज हम ले रहे हैं 1/2 के पावर n। इसको आप n इज इक्वल टू 1 से आप इंफिनिटी तक यूज करेंगे। एक एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस क्या लिख सकते हैं? 1/2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये अगर आपको ध्यान देंगे तो ये जो सीरीज है इट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे है? इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे है? समझ में आया? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जीपी है ये, क्या है? जीपी है, क्या है? जीपी है, क्या है? जीपी है। क्लियर है ना? ये क्या है? जीपी है। क्लियर है? ये क्या है भाई? ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपको दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे हुआ? आप कैसे देख सकते हैं? इसमें 1/2 स्क्वायर में आप 2 से डिवाइड करिए। समझ रहे हैं? 1 किसमें डिवाइड करेंगे? इसमें आप डिवाइड करिए तो 1/2 आएगा। इसमें आप इसको डिवाइड करिए, इसको आप उसमें डिवाइड करिए तो आपको 1/2 आपको सेम मिलेगा। इसको अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो 1/2 मिलेगा। इसमें आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। इसको आप इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 मिलेगा। तो ये जीपी में है। अगर मैं बोलूंगा nth टर्म का सम जो होता है, इन्फिनिटी तक का जो सम होता है वो s इन्फिनिटी होता है, आप कहते हैं a। लेकिन nth टर्म का सम लेना है हमको, nth टर्म का सम लेना है। a अपॉन 1 माइनस r करिए इसका, a अपॉन 1 माइनस r करिए। a क्या है? 1/2 है, और यहाँ से क्या है? 1 माइनस 1/2 करिएगा तो 1/2 अपॉन 1/2, और इसका सम करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली इसको जो जो इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? इन्फिनिटी जो वो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास मैसेज आपका नहीं आ रहा है, ऐसा तो क्यों नहीं आ रहा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है कई क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए इसको हम लोग और आगे करते हैं। मतलब मेरा कहना क्या है कि कई सारे इन्फिनिटी ऐसे सीरीज होते हैं जिनका जो सम होता है हम निकालते हैं और हमें निकल के वो आता भी है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है क्लियर है ना? ये आप ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये है, आपने ये यूज किया, ठीक है, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 के पावर 3, इसको इसकी बात हम कर रहे हैं इस तरह से, इसका जो इन्फिनिटी होता है वो आता है। तो आप कहेंगे दिस सीरीज, ये जो सीरीज है ना वो सीरीज क्या है? समेशन में n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1/2 के पावर n इज कन्वर्जेंट। ये क्या हो जाएगा? ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फाइनाइट सम आया है वो क्या आ रहा है? कन्वर्जेंट आ रहा है। क्लियर है ना? इसको वैसे बोल सकते हैं, देखिए जिस सीरीज का सम फाइनाइट आ गया वो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जो अलजेब्रा वाला रूल्स होता है जैसे एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, etc, कैन नॉट बी ऑलवेज अप्लाई टू इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने आया है SN S बराबर है 1+2+4+ ये है। आप देख सकते हैं अगर मैं आपके सामने ये लिखा हूं, S बराबर मैंने लिखा 1+2+
फिर क्या लिखा, फोर लिखा, प्लस डॉट 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 मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब फिर इसी को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं दो से इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, दो से मल्टीप्लाई करिए तो टू एस करेंगे, क्या करेंगे टू, इसमें दो से करेंगे तो टू यहाँ आएगा, फिर इसमें दो से करेंगे तो फोर आएगा, फिर इसमें दो से करेंगे तो प्लस एट आएगा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू एस में से एस घटाइएगा, तो इधर मान लीजिए माइनस एस आएगा, इधर क्या आएगा, इधर सब कट जाएगा वन आएगा, तो एस की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। एस क्या है, सम है, इनका क्या है, ये सम है। अब आप मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा मैं कैसे लिखा हूँ। देखिए वन के नीचे मैं नहीं लिखा हूँ, इस टू को मैं इसके नीचे लिखा हूँ तभी वो कटा है, ठीक है, ऐसे सारा कट गया। अब खुद बताइए सीरीज हमारा पॉजिटिव टर्म है, इसका सम कभी निगेटिव आ सकता है, एस जो है वो निगेटिव आ सकता है, दैट इज नॉट अ पॉसिबल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रैंडमली हमने जो मल्टीप्लाई किया है ना, आप बोलिए यहाँ पे देखिए एडिशन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आप एडिशन नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि करेंगे और रैंडमली अगर आप जोड़ेंगे तो यही आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आगे बोला है सिंस ऑल द टर्म्स इन एस आर पॉजिटिव, ठीक है भाई, सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव है तो उसका सम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, ये वो बोलना चाहता है। द लिखा द एडिशन ऑफ टू इन्फिनिट सीरीज इज वैलिड फॉर कन्वर्जेंट सीरीज ओनली, ध्यान दीजिएगा, आप एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन जो करेंगे आप केवल कन्वर्जेंट सीरीज में अगर आप करते हैं तो वो वैलिड होता है, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अगर सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट नहीं था इसलिए ये प्रॉब्लम आया, लेकिन अगर ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होता तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। इसलिए देखिए बोल क्या रहा है, फॉर दिस रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। आप खुद सोचिए कन्वर्जेंट सीरीज में आप प्लस और माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए हमारे जरूरी हो जाता है कि पहले आप सीरीज का पता करिए वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये हमारा मोस्ट होगा कि हम पहले ये पता करें कि सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। देखिए नेचर ऑफ सीरीज में तीन बातें होती है, जैसे सीक्वेंस हमारा होता था, कोई भी सीरीज कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होता है, कोई भी सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होता है, सॉरी कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होता है, कोई भी सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट होता है, और कोई भी सीक्वेंस हमारा ऑसिलेटरी होता है, ऑसिलेटरी में दो होते हैं फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, उसी तरह सीरीज में भी होते हैं, कोई भी सीरीज हमारे कन्वर्जेंट होता है, कोई भी सीरीज हमारा डाइवर्जेंट भी होता है, और कोई भी सीरीज हमारा ऑसिलेटरी भी होता है, दोनों होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखिएगा एन इनफिनाइट सीरीज यूएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, एन इनफिनाइट सीरीज यूएन, कोई भी इनफिनाइट सीरीज अगर है तो वो कन्वर्जेंट तभी होगा इफ एसएन, और एसएन मैंने भी जस्ट बताया था, एसएन जो होगा वो क्या होगा, एस1 होगा, एस1 की बात करेंगे तो यूएन होगा, S2 होगा तो U1 plus U2, S3 होगा तो U1 plus U2 plus U3, जो मैंने पहले just define किया था, तो वो भी SN है, वो बोल रहा है कि the sum of first, the sum of its first n terms tend to a finite limit S, ठीक है, as n tends to infinity, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि आप S1, देखिए सीरीज आपका रहेगा, देखिए सीरीज है UN है आपका, लेकिन इससे आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे SN, एक सीक्वेंस बनाएंगे SN, और ये क्या होगा, S1 होगा, S2 होगा, S3 डॉट 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 एस ये बनेगा, ठीक है। और आप क्या करना चाहते हैं, लिमिट एंड टू इनफिनिटी SN, अगर एक S एक फाइनाइट नंबर आ गया, अगर ये फाइनाइट आ गया तो हम बोलेंगे कि सीरीज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कन्वर्जेंट है, जो सीरीज है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है, क्लियर है, वो जो सीरीज है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको, हम पढ़ तो रहे हैं सीरीज, लेकिन जो काम करेंगे वो सीक्वेंस की हेल्प से करेंगे, जो भी सीरीज होगा हमारे सामने, क्योंकि मेथड बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग आगे चल के टेस्ट बहुत सारा पढ़ते हैं, ऐसे करना वास्तव में टफ है, हर सीरीज का सम फाइंड करना दैट इज नॉट अ टफ, मतलब दैट इज वेरी टफ, ठीक है। ध्यान दीजिए जो भी हमारा यूएन रहेगा ये सीरीज है, इस सीरीज से हम सीक्वेंस बनाएंगे SN, और SN कैसे डिफाइन होगा, जैसे S1 की बात करेंगे तो UN होगा, S2 की बात करेंगे तो UN plus U2 होगा, S3 की बात करेंगे तो UN plus U2 plus U3 होगा, इसी तरीके से मैंने एक सीक्वेंस बना लिया SN, जिसमें S1 होगा, S2, S3 ज्यादा ये बनेगा। अब ये अगर लिमिट एंड टेंड टू इनफिनिटी SN बराबर अगर S आ जाता है, लिमिट एंड टेंड टू इनफिनिटी SN बराबर अगर S आ जाता है, वो भी फाइनाइट होना चाहिए, तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, देखिए तब वो सीक्वेंस जो होगा ये कन्वर्जेंट होगा, अगर सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा SN इज नॉट nth टर्म ऑफ UN, ठीक है, UN मतलब nth टर्म नहीं होता है सीरीज का, वो अलग होता है यहाँ से, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ से, बोलिए भाई बोलिए,
डाउट है यहाँ से। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इसी पे दिखा देता हूँ, आप इसको देखिए, यही से आपको सबको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे जैसे मैंने एक सीरीज लिया, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सीरीज है, वही सीरीज हम उठाते हैं यहाँ से। हर बार पेन पता नहीं कैसे चेंज हो जा रहा है, आज तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, एक सीरीज हमने उठाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने एक सीरीज उठाया। ठीक है, मैंने एक सीरीज उठाया यूएन, मैं शुरू कर रहा हूँ वन वन बाई टू वन बाई टू स्क्वायर वन बाई टू की पावर थ्री प्लस वन बाई टू की पावर फोर प्लस डॉट, ये सीरीज हमारा है। आपसे पूछा कि बताइए जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप इसको क्या कहेंगे, मैं वही पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका सीक्वेंस बनाऊंगा, एस वन बनाऊंगा तो एस वन क्या है वन, एस टू बनाऊंगा तो वन प्लस वन बाई टू मिलेगा, एस थ्री की बात करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री मिलेगा, इसी तरह मैं एस एन की बात करूंगा तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री नहीं है सॉरी, टू का स्क्वायर है ना, और यहाँ से टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में वन अपॉन टू की पावर एक कम करेंगे, एन तक जा रहा है, देखिए तीन है तो दो जा रहा है, दो है तो पावर एक आ रहा है, तो एक कम हो जाएगा, टू को वन बाई टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को ये बातें क्लियर है, सभी बच्चे, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताए, क्या मेरी बात उसको समझ में आ रही है, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा मुझे जल्दी से बताए, फ्रैक से बताए क्या ये बात समझ में आ रहा है उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये जीपी है, इट इज जीपी, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, जीपी है ना, कैसे कैसे हुआ जीपी, इसका इसमें डिवाइड करिएगा, इसका इसमें डिवाइड करिएगा, इसका इसमें डिवाइड करिएगा तो वन बाई टू मिलेगा। तो आप कहेंगे एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है, इसका सम निकाला जा सकता है ए ब्रैकेट में वन माइनस आर के पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जहां पे ए की वैल्यू कितना है, ए फर्स्ट टर्म है, आर की वैल्यू कितना है वन बाई टू है। तो आप यूज करिएगा जब यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा एस एन बराबर मिलेगा ए वन बाई टू है, यहाँ क्या मिलेगा वन माइनस वन बाई टू के पावर एन अपॉन क्या लिखेंगे वन माइनस वन बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वन बाई टू, यहाँ टू के आप देख सकते हैं वन माइनस, तो इसको लिख सकते हैं टू के पावर माइनस एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टू के पावर माइनस एन, ऊपर जाएगा तो यहाँ से वन बाई टू कर सकते हैं, देखिए इससे कट जाएगा तो आपको वन माइनस आप लिख सकते हैं टू के पावर माइनस एन। तो ये जो मिला है वो एस एन मिला है। अगर आपसे मैं पूछूंगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, जो एस एन होगा वो वन माइनस सॉरी लिमिट होगा एन टेंड्स टू इनफिनिटी वन माइनस टू के पावर माइनस एन होगा, आप इसको ये लिख सकते हैं वन बाहर कर सकते हैं, यहाँ लिमिट डालेंगे एन टेंड्स टू के पावर माइनस एन, आपको पता जब एन जब मतलब आप उसको जब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है टू के पावर क्या है, टू के पावर क्या है माइनस, जब एन की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी डालते हैं टू के पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, टू के पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो इसको नीचे लाएंगे तो वन माइनस वन बाई टू के पावर इन्फिनिटी, तो ये टू के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है जीरो होता है, तो फाइनली ये वन आएगा। तो ये फाइनल एस एन क्या है, ये फाइनाइट आया है कि नहीं बताइए, ये फाइनाइट आया है कि नहीं, एस एन जो आया फाइनाइट आया है कि नहीं, इसका मतलब जो सीक्वेंस एस एन होगा, सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, और अगर सीक्वेंस अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज जो होगा यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये हर बार मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर लिमिट का सम निकालना टफ है, बिल्कुल टफ है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए तो यही बोल रहा है कि लिमिट एन टू इनफिनिटी जो एस एन होगा वही एस होता है, तो इस सीरीज का जो सम होगा ना, इस सीरीज का जो सम होगा आप कहेंगे कितना होगा, तो आंसर बताएंगे वन, इसका जो सम होगा इसका जोड़े, इसको सब जोड़ देंगे ना, सभी जोड़ना का जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वन आ जाएगा, क्लियर है वन आ जाएगा, क्लियर है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको रीडिंग करेंगे तो लिखा क्या है, ठीक है ये देखिए डेफिनेशन है, इफ एसन, अगर एसन हमारा टेंड कर रहा है प्लस इनफिनिटी पे, अगर एसन हमारा प्लस इनफिनिटी या फिर माइनस इनफिनिटी पे टेंड करता है तो सीक्वेंस में यूएन को हम क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट, दस यूएन इज, ठीक है डाइवर्जेंट बोलेंगे, क्लियर है ना। ये जो डिफिनेशन यूज किया है लिमिट का डिफिनेशन यूज किया है, क्योंकि लिमिट का जो यूज करते हैं वही यूज कर रहा था, बस ये ध्यान रखिए कि डाइवर्जेंट ये हो जाता है जब प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी। तीसरा देखिए बोला है एसएन डज नॉट टेंड टू अ फाइनाइट लिमिट, एसएन जो था फाइनाइट लिमिट पे टेंड नहीं कर रहा है और प्लस इनफिनिटी या फिर माइनस इनफिनिटी पर भी टेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं
ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो सीरीज जो है वो हमारे तीन टाइप्स के होंगे, एक हमारा कन्वर्जेंट होगा, एक हमारा डाइवर्जेंट होगा और एक ऑसिलेटरी होगा। कन्वर्जेंट में लिमिट एंड इंडिविजिबिलिटी जो एसएन बनाएंगे वो हमारा फाइनाइट आना चाहिए और तब वो कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट में लिमिट एंड इंडिविजिबिलिटी जो एसएन होना चाहिए वो प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, तो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। जैसे सीरीज आप ले सकते हैं 1+1/2+1/3 डॉट डॉट डॉट, वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होता है, सॉरी डाइवर्जेंट होता है। अगर ये इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिएगा समेशन में एन, क्या ले लेंगे एन, इसको लिखेंगे 1+2+3+ डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस एन नहीं निकाल सकते हैं आप यहाँ से, भाई एस एन तो निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट जो ये होता है इज, ठीक है, इज डाइवर्जेंट, ये क्या लिखेंगे, ये डाइवर्जेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सम होता है वो फाइनाइट नहीं आएगा, 1+2+3 अगर आप ऐड करते जाएंगे तो इन्फिनिटी जाएगा ना, प्लस इन्फिनिटी आता है ना। तो जिसका सीरीज का सम फाइनाइट ना हो, देखिए सीरीज का सम सम निकालिए, सीरीज का सम निकालिए, या फिर देखिए सीरीज का आप सम निकालिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सीरीज का सम निकालिए या फिर आप उसका एसएन निकाल के लिमिट एंड इंफिनिटी करिए, दोनों सेम ही आता है, ठीक है, दोनों क्या आते हैं, सेम आता है। आइए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंट टेस्ट होता है, ध्यान से देखिए डाइवर्जेंट टेस्ट, इसको डाइवर्जेंट नाम क्यों दिया गया है, फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज यू एन लिमिट एंड इंफिनिटी यू एन, देखिए ये यू एन क्या है, इस सीरीज का एनथ टर्म है, लेकिन एसएन जो होता है वो अलग होता है। UN और SN में डिफरेंट समझिएगा, SN जो होता है वो सम होता है, सम निकालना है, लेकिन UN जो होता है सीरीज का nth टर्म होता है, सीरीज का nth टर्म होता है, ठीक है। तो उस सीरीज का nth टर्म जो होगा, अगर कोई सीक्वेंस सीरीज, ये डाइवर्जेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसका निगेशन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिमिट एंड इंफिनिटी UN बराबर जीरो, अगर कोई सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है तब इसका कंफर्म है, उसका लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन बराबर जीरो होगा। लेकिन इसका ऐसे यूज करिएगा कि चेक करना है कि सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट देखिए, लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन बराबर जीरो ये गारंटी नहीं देता है कि, जैसे मैं आप लिखना चाहता हूँ हियर, ठीक है, हियर इफ इफ लिमिट एंड इंफिनिटी, लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन बराबर जीरो, दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट, ठीक है, और For any, यहाँ पे sequence U ने लिख लिखेगा, यहाँ पे UN, series UN लिखेगा, अगर ये zero हो रहा है, this, ये guarantee नहीं देता है, it does not guarantee, हम guarantee नहीं देंगे, ये guarantee नहीं देंगे, guarantee that, series is, क्या? कन्वर्जेंट, क्या कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बट इफ लिमिट एंड टेंडेंस इनफिनिटी अगर यूएन की वैल्यू जीरो नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये गारंटी होता है, इट इज गारंटी, ये गारंटी हो जाता है, ये गारंटी हो जाएगा, गारंटी दैट कि दैट सीरीज That series is divergent. ये divergent की guarantee दे देता है, इसलिए इस test को हम क्या बोलते हैं, divergent test बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया concept मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार concept दे रहा हूँ आपको, बस समझने की जरूरत है, मेरी बात जानने की जरूरत है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार हमारे वीडियोज को लाइक कर दें और, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। जिससे कि और लोगों को पता चले, ठीक है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं इसका प्रूफ भी कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एसएन से निकालेंगे, अगर यूएन है तो हमारा क्या होगा, एसएन होगा तो क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये दे रहा है, देखिए अब अगर ध्यान से मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, प्रूफ देखिए इसका, ये ऐसा कैसे होता है, ठीक है, let UN be convergent series, ये आप मान सकते हैं कि हमारा क्या है, convergent series है। अगर ये convergent series है तो इसका मतलब ये हुआ, this implies that limit and tending to infinity जो SN होगा
वो क्या होगा, एस होगा, क्लियर है ना भाई। जाहिर सी बात है उसका कोई एक फाइनाइट होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एस लिख रहे हैं और यहाँ फाइनाइट लिखिएगा, ये जो होगा वो फाइनाइट होगा, जो भी सम होगा फाइनाइट होगा, ठीक है, क्लियर है ना, जो भी सम होगा क्या होगा फाइनाइट होगा। अब अगर एस एन की बात कर रहे हैं तो एस एन है क्या, यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यू एन ही है ना, ऐसा मतलब एन एच एम का सम है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एस एन माइनस वन बताइए, एस एन माइनस वन तो आप क्या बताएंगे, एक कम रहेंगे, यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 प्लस यू एन माइनस वन लिखेंगे, लिखेंगे। आपको मैं इन दोनों का डिफरेंस करना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे, मैं लिखना चाहता हूँ एस एन माइनस, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इधर भी डिफरेंस करेंगे आप, इधर देखिए यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 प्लस यू एन माइनस वन प्लस का यू एन, मैंने ये लिखा, इसके जस्ट पहले यू एन माइनस वन आएगा ना, फिर माइनस करेंगे, इधर वाला लिखिए यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 प्लस यू एन माइनस वन लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देंगे, अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू एन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 प्लस यू एन माइनस वन प्लस यू एन माइनस यू वन माइनस यू टू माइनस यू टू माइनस डॉट 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 यू एन माइनस वन, देखिए सब कट जाएगा, सारे प्लस माइनस सब कट जाएंगे, खाली बस यू एन मिलेगा, तो यू एन मिलेगा, ठीक है। आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट लिमिट एन टेंडिंग इनफिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंडिंग इनफिनिटी एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग इनफिनिटी यू एन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर लिमिट एन टेंडिंग इनफिनिटी एस एन की वैल्यू अगर एस है, तो ऐसा भी है कि अगर सीरीज मतलब एक टर्म अगर कम जोड़ेंगे तभी ये ऐसी आएगा, तो आप एंड आप ये भी लिख सकते हैं लिमिट एंड इनफिनिटी जो एस एन माइनस वन है ये भी जो एस होगा, क्यों जानते हैं, क्योंकि सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो एस एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, एक टर्म बस छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है उसमें एक टर्म अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका सम कोई चेंजेस नहीं होगा, वो उतना ही सम रहेगा, एस उतना रहेगा। तो इसका मतलब ये भी एस है और ये भी एस है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी यू एन लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आप जीरो लिखेंगे और क्या लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी यू एन। ये बहुत बड़ी बात है, ये तभी यूज किए हैं जब हमारा सीरीज हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा नहीं होने से मी कर, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सीरीज हमारा ये कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी जीरो होगा, यू एन बराबर जीरो होगा। लेकिन इसका नाम डाइवर्जेंट टेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि डाइवर्जेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सीरीज अगर आपके सामने मैं दे दिया और एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, अगर मैं इसको चेक करूँ, अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लिखा, ठीक है, आपको मैंने सामने लिखा एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है, मैंने लिखा एन प्लस वन अपॉन एन, चेक, ये चेक करना है कि इज कन्वर्जेंट और नॉट, इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो आप ये कहेंगे क्या ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, तो nth टर्म जो अगर हियर देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो हियर जो un होगा कितना होगा n plus 1 by n होगा, तो अगर आप लिमिट n tending to infinity निकालते हैं और आप लिखते हैं un, आप लिखेंगे लिमिट n tending to infinity u n plus 1 upon n, अगर आप n से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 upon 1 by n, और अगर आप ध्यान से देखेंगे infinity डालेंगे तो 1 आएगा प्लस यहाँ पे क्या 1 by infinity तो जीरो होता है तो 1 आया जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर नहीं है, this implies that series is divergent, क्या हो जाएगा divergent हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है ये divergent हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्लियर है डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो पे चला जाता, अगर जीरो पे चला जाता, मान लीजिए जीरो आता, तो हम जरूरी नहीं है कि हम ये थोड़ा ना कह पाएंगे कि सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा, लेकिन जीरो पे नहीं जाता तो गारंटी है कि सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। खुशी गुप्ता बोल रही हैं, कहाँ गई खुशी गुप्ता, सर मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच परचेस किया कर लिया है, उस पर कंटिन्यू क्लासेस कब आएंगे सर, प्लीज रिप्लाई मी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी बिल्कुल खुशी जी, मैं आपको बता रहा हूँ क्लासेस तो बस कंटिन्यू हो जा रही हैं, अभी अल्टरनेट चल रहा है,
अभी स्टार्टिंग का है तो अभी थोड़ा अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। अभी जैसे ही दो इस तरह का एक और बोर्ड हम लोग ले रहे हैं तो जैसे वो आ जाता है तो हमारी क्लासेस एकदम सिस्टमेटिक चलेगी। और अब हमारा एक यूनिट कंप्लीट, आज हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो सारी क्लासेस हमारा ऐप पे चलेगा, ठीक है। आज के बाद फिर कोई भी क्लासेस ऐप पे नहीं आएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बोल रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास रहेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर की कई क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर का वो लास्ट क्लास होगा, आज के बाद सारे उसी ऐप पे मिलेंगे। समझ रहे हैं खुशी जी? ठीक है, बढ़िया। राधे कृष्णा कौन है भाई? राधे कृष्णा क्या बोल रहे हैं? सर मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ से हूँ। सर क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर की बोर्ड एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का कंबाइंड लिख सकते हैं क्या? सर प्लीज रिप्लाई कमेंट। हाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखें, जरूर लिखें। बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लिखें वो समझ में आ जाए, टीचर्स को समझ में आ जाए, ठीक है। वो अलाउ है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो मुझे बताएं कि उनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये देखिए बहुत एक ये सीरियस भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बाद में हमें पता चल रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, हर दिन हम लाइव क्लास आ रहे हैं, आप अपने डाउट को हमसे इसी पे क्यों नहीं करवा लेते हैं? मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं, सभी बच्चे अपने वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी जरूर करें इसको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं देखिए आपको बताना क्या चाहता हूँ उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो सब गड़बड़ है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो डाइवर्जेंट टेस्ट होता है वो किस लिए होता है, जो डाइवर्जेंट टेस्ट बनता है उसको नाम हम डाइवर्जेंट क्यों दे रहे हैं। मैं उसको नाम इसलिए डाइवर्जेंट दे रहा हूँ क्योंकि डाइवर्जेंट टेस्ट वो डाइवर्जेंट की गारंटी दे देता है, कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं देता। और इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी सीरीज अगर यूएन है, लिमिट इंफिनिटी, यूएन बराबर अगर जीरो जाता है, अगर जीरो आता है तो आप एक गारंटी नहीं दे सकते हैं। आप मैं आपके सामने कई सारे एग्जांपल भी लेकर आऊंगा जिनका लिमिट जीरो पे जा रहा होगा लेकिन वो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर लिमिट इंफिनिटी यूएन बराबर जीरो जा रहा है तो दोनों हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर जीरो पे नहीं जा रहा है तो श्योर मानिए, तब आप निश्चित होकर मानिए कि वो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट ही होगा, इसलिए इस टेस्ट का नाम डाइवर्जेंट डाला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? तुम लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला टेस्ट आया, देखिए सीरीज, हर सीरीज का सम निकालना टफ होता है, हर सीरीज का सम निकालना टफ होता है, बिल्कुल टफ होता है। लेकिन हम इसीलिए कंपैरिजन टेस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट बनाते हैं जिनकी हेल्प से हम उसकी सीरीज की कन्वर्जेंसी फाइंड कर पाए। उसके सम से हमें मतलब नहीं है, उसका सम हम नहीं निकाल पाएंगे, हर सीरीज का सम हम नहीं निकाल सकते हैं, हर सीरीज का सम नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या चीज, इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर सीरीज की कन्वर्जेंसी की बात जरूर की जा सकती है। उसके लिए कई सारे टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, रूट टेस्ट है, रॉब्स टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, समझ रहे हैं, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, कई सारे टेस्ट मिलेंगे आपको। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो टेस्ट है वो कंपैरिजन टेस्ट है। तो ये टेस्ट हम क्यों पढ़ते हैं वो ध्यान दीजिएगा। इफ यूएन एंड वीएन, ध्यान से देखिएगा, इफ वीएन एंड यूएन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, दोनों हमारे पॉजिटिव टर्म के सीरीज होने चाहिए, एंड इफ बीएन इज कन्वर्जेंट, और बीएन हमारा क्या होना चाहिए, बीएन हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए। शिवांश पांडे पूछ रहे हैं, सर अभी हाँ मैं बता देना चाहता हूँ, जस्ट इसी क्लास के बाद आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास भी चलेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीएन एंड यूएन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड बीएन इज कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट, ध्यान दीखिएगा, ये बोल कह रहा है बीएन इज कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट, कंडीशन डाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बीएन से छोटा है यूएन, बीएन से छोटा है ना यूएन, अगर बीएन हमारा कन्वर्जेंट हो गया तो यूएन भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। सही बात है, अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट हो गया तो छोटा वाला भी तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा ना, सही बात है ना भाई, उसी से जस्ट बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा वाला तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। यही बोल रहा है कि बीएन इज कन्वर्जेंट देन यूएन इज कन्वर्जेंट, कंडीशन डाला है कि यूएन जो का बीएन से का छोटा होगा, तो ऐसी बात बोल रहा है। आगे बोलिए, अब देखिए अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट होगा, देखिए एंड यूएन इज डाइवर्जेंट, अगर छोटा वाला ही डाइवर्जेंट हो गया तो उससे बड़ा वाला तो ऑलरेडी डाइवर्जेंट होगा। देखिए यहाँ पे केस चेंज कर दिया, यहाँ पे यूएन बड़ा है, बीएन छोटा है, तो जब यूएन बड़ा होगा और बीएन छोटा होगा तो बड़े वाले का जो नेचर होगा ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़े वाले का नेचर होगा उससे छोटे वाले का नेचर भी वही होगा, ये मेरा कहना है।
ऐसा मैं समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा ध्यान से देखिएगा, अगर वीएन हमारा कन्वर्जेंट है तो इससे छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर यूएन हमारा डाइवर्जेंट है, ध्यान दीजिएगा, एंड यूएन इज डाइवर्जेंट, अगर यूएन हमारा डाइवर्जेंट है तो वीएन भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये आपका कहना है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है भाई, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट दे रहा है, कंपैरिजन में ये वाला हम लोग का कम यूज करते हैं, मेन हम लोग ये यूज, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इसमें हम लोग कंपैरिजन यूज करते हैं, ठीक है ना, सही बात है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, और ये सीरीज हमारा मेरे ख्याल से लास्ट, ठीक है। ये देखिए आपका सीरीज है, सूत्र है सीरीज 1/1 factorial, 1/2 factorial, 1/3 factorial, 1/4 factorial, इस कन्वर्जेंट आपको ये दिखाना है कि हमारा कन्वर्जेंट है। और ये याद रखिएगा सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होता है, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इसको शो कराएंगे कंपैरिजन से, कैसे शो कराएंगे ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि 1/, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 factorial, ठीक है ना, इसको हम सम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए, ठीक है, कन्वर्जन दिखाना ना, इससे बड़ा वाला हम कन्वर्जन दिखा देते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे 2 factorial से बड़ा जो होता है, 2 factorial जो होता है, ठीक है, पावर 2 factorial और 2 square, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसके जगह मैं 2 square लिखना चाहता हूँ, सही है ना, सही है ना, बिल्कुल जी, क्या लिखे हैं जी, राधे कृष्ण फर्स्ट सेम में हो क्या, कौन बोल रहे हैं जी, भीम राव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, अच्छा कोई बात नहीं है, ये समझ में आ रहा है। मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि अगर बाली जी हमारा ये सीरीज है जो कि मेरा कन्वर्ज है, अरे भाई ठीक है ना, क्या क्या बोल रहे हैं ये, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है शिवांश, इस क्लास के बाद हम लोग मिलेंगे और उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, बस उसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना, सही बात है, बिल्कुल सही है, बढ़िया है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें इस तरह की अगर चीजें अगर हमारी जब के सामने आती तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैं वही बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, जैसे 2 factorial की अगर वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये तो मान लीजिए 2 ही है, ये तो सही है, ठीक है, ठीक है ना, अगर 2 factorial बराबर 2 होता तो सही है, लेकिन ठीक है, अगर मैं बोलूंगा 1/2 factorial, ये तो बराबर ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 3 factorial दीजिए, 3 factorial की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है, इससे छोटी जो वैल्यू होती है, 3 × 2 को हम लिख सकते हैं, इससे छोटा ही होता है 2 × 2, ठीक है, इसको हम 2 square लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2, 3 की जगह पर भी मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 की जगह पर भी 2, इससे छोटा ले रहे हैं, इससे छोटा ले रहे हैं। अगर मैं 4 factorial की बात करूंगा तो 4 × 3 × 2 आप लिख सकते हैं, इससे छोटा, 4 की जगह पे भी 2 लिखिए, 3 की जगह पे भी 2 लिखिए, और इसकी जगह पे भी आप 2 लिखिए, समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है, इससे छोटा ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं देखिए, अगर इससे छोटा है, पहले इसी को कंफर्म कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब ये कहना चाहता हूँ 3 factorial की जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर से छोटा है, सही बात है, मतलब 2 का स्क्वायर जो 3 factorial से छोटा है, तो अगर मैं 1/3 factorial करूंगा तब ये लेस हो जाएगा कि नहीं, 1/2 स्क्वायर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है कि जब डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है कि नहीं होता है, बताइए, इनइक्वालिटी चेंज होगा, 1/3 factorial जो होता है वो लेस होता है 1/4 से, मतलब 1/8 लेस होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से अगर मैं आपके सामने कहूँ 4 factorial, तो 4 factorial को आप लिखते हैं 4 × 3 × 2, ठीक है, लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इससे छोटा, मैं इसे छोटा लूंगा, ध्यान दीजिए इससे छोटा, इससे 2 × 2 × 2, तो आप इसको मैं ये कहना चाहता हूँ 4 factorial की जो वैल्यू है वो 2 के पावर 3, तो 1/4 factorial लिखेंगे तब लेस हो जाए ना, 1/2 के पावर 3 लेस हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए कंपैरिजन लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको मान लीजिए 5 लिखूंगा, सिमिलरली मैं लिखना चाहता हूँ, सिमिलरली मैं लिखना चाहता हूँ 1/5 factorial, हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4, समझ रहे हैं, 1/6 factorial लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके सामने मैंने लिखा, क्या लिखा, 1
वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लिखा आपके सामने। तो इससे बड़ा सीरीज है, इससे जस्ट बड़ा हम ले रहे हैं क्योंकि बड़ा आएगा ना, ये बड़ा है ना, देखिए बड़ा आ रहा है कि नहीं। मैं लिखवा इसके जगह पे वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू के पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे बड़ा ले रहे हैं। और ये कन्वर्जेंट है, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था हियर, ये कन्वर्जेंट है, ये इसकी बात करेंगे। हियर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो जीपी, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका अगर हम एस एन की बात करते हैं, एस इंफिनिटी की बात करते हैं, एस इंफिनिटी की बात करते हैं, तो ए अपॉन वन माइनस आर आता है, इसका फॉर्मूला होता है। ए के जगह पे क्या होगा, वन बाई टू, वन माइनस आर के जगह पे क्या होगा, वन बाई टू होगा, क्योंकि ए के जगह पे भी फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म तो वन है ना, फर्स्ट टर्म तो क्या है, वन है। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, वन है। फर्स्ट टर्म कितना है भाई, वन है ना, फर्स्ट टर्म कितना है, वन है, समझ रहे हैं। अरे यार तो इसमें मिस्टेक नहीं है क्या, एक मिनट रुके। तो एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा ध्यान अभी आया मुझे। अच्छा यहाँ तो वाली जो वन डाला है ये ना, ए बराबर वन डाला है यहाँ पे, सॉरी ये देखिए मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तब एक काम करिए ना, मिस्टेक हो गया है, मैं वही ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि वन बाई टू वहाँ डाला है, यहाँ पे वन डाला है, तो वहाँ पे आप वन कर लीजिएगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक में आया, थोड़ा ध्यान नहीं आया ये, क्योंकि यहाँ पे वन बाई टू नहीं आएगा, यहाँ पे वन आएगा, खैर बस बस उसी का डिफरेंस आएगा, वन लिखेंगे यहाँ से भी, वन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये मिलेगा हमको वन बाई टू मिलेगा, ठीक है। तो इसको वन बाई टू ही करिए, ये थोड़ा सा देखिए अभी मुझे ध्यान आया, मुझे अभी जस्ट ध्यान आया, ये थोड़ा सा उस टाइम किसी ने बोला नहीं था टू, और यहाँ वन माइनस टू के पावर माइनस एन करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से बस आगे टू लिख लीजिएगा, ठीक है, बस आगे आप टू लिख लीजिएगा और सब सही है, बस आगे आप टू लिख लीजिए सब सही है, ठीक है। टू यहाँ पे भी आगे आप टू लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी बस टू लिख लीजिएगा, बस टू ही आएगा, ये थोड़ा सा बस ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक है, ये टू कर लीजिए आप, मुझे अभी ध्यान आया, थोड़ा सा टू कर लीजिएगा, सिंपल है, बस वही मेरा कहना है, बस ये थोड़ा ध्यान अभी आया, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, ठीक है, अभी जस्ट मैंने निकाला ही था, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा टू, कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, वन अपॉन वन बाई टू होगा, सॉल्व करेंगे टू आएगा। तो एस इंफिनिटी फाइनाइट है कि नहीं है, तो ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। तो कंपेरिजन टेस्ट हम ये कहेंगे कि जब इससे बड़ा वाला सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, तो इसी से जस्ट छोटा वाला जो होगा वो भी, अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, समझ रहे हैं, अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला कन्वर्जेंट होगा, छोटा वाला अगर डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, समझने की कोशिश करिएगा। ये कन्वर्जेंट है, देखिए है ना कन्वर्जेंट, क्योंकि फाइनाइट आ गया ना, अगर फाइनाइट आ गया तो ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इससे छोटा वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये मेरा कहना है। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टर प्लस डॉट 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे, क्लियर है। थोड़ा समय दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऑक्सिलरी सीरीज आपके सामने, जब ये हमें दिखाना है, ये इन्फिनिट सीरीज जो हमारा है, ये हमारा पी ग्रेटर देन 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट है, p इक्वल टू या फिर 1 से लेस पे हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है, ये हमारा सीरीज है, ये हमारा क्या है, सीरीज है। और इस सीरीज की बात कर रहा है इस पे, ये हमारा टेस्ट, इसको बोलते हैं पीएथ टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, पीएथ टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएथ टेस्ट, नाम नहीं दे रहे हैं, ये पीएथ टेस्ट हमारा कहलाता है इस सीरीज को। इस सीरीज की हेल्प से अगर पी की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन है, ठीक है, ठीक है ना, अगर पी की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन है, अगर ध्यान दीजिएगा p की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन है, तो इस रिस्पेक्ट में हम ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीन केस हम बनाएंगे, p ग्रेटर देन 1, p इक्वल टू 1 और p लेस देन 1, तीन केस पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पे, आप इसी तरीके से चीजों को समझिए,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा केस हम लोग बनाएंगे इसको, अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं केस बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा केस बनाएंगे। केस फर्स्ट में अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, p की वैल्यू इक्वल टू 1 लेंगे और p की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, इस पे हमें ध्यान देना है। अगर p की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 है तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप मुझे बस इतना बताइए जो 2 के पावर p की जो वैल्यू होगा और जो 3 के पावर p की वैल्यू जो होगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा बताइए। 2 के पावर p और 3 के पावर p में बड़ा कौन है? 2 के पावर p और 3 के पावर p, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बताइए, आप बताइए मुझे 2 के पावर p और 3 के पावर p में बड़ा कौन है, मुझे जल्दी से बताइए 2 के पावर p और 3 के पावर p में कौन बड़ा है? ठीक है, बड़ा कौन है भाई? हाँ बढ़िया, आप कह सकते हैं 2 के पावर p और 3 के पावर p में हमारा जो बड़ा है वो 3 के पावर p बड़ा, सही है। लेकिन जब इसको 1 बाई 2 के पावर p करते हैं ना, तब ये बड़ा हो जाता है 1 बाई 3 के पावर p हो जाता है, क्लियर है ना। 1 बाई 2 के पावर p करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 बाई 3 के पावर p ये बड़ा हो जाता है, क्लियर है ना। तो 1 बाई 3 के पावर p से बड़ा कौन होगा? 1 बाई 2 के पावर p बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ये तो क्लियर है ना। तो 1 बाई 3 के पावर p से कौन बड़ा होगा? 1 बाई 2 के पावर p बड़ा होगा, तो हम बड़ा वाला लेके चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? बड़ा वाला ही लेकर चलेंगे। आगे चलें, आगे चलें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगेन हम ये कहेंगे कि जो 2 के पावर p होगा वो हमारा 4 के पावर p से छोटा होगा, लेकिन 1 बाई 2 के पावर p अगर कहेंगे तो 1 बाई 4 के पावर p से ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 1 बाई 4 के पावर p से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है। इसी तरीके से देखिए, इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं, फर्स्ट बना ले रहे हैं तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं? सेकंड बना ले रहे हैं। आइए, 2 के पावर p की जो वैल्यू है ना वो 5 के पावर p से छोटा होगा, लेकिन 1 बाई 2 के पावर p जो करेंगे ना तो 1 बाई 5 के पावर p हो जाएगा, सही है? सही है कि नहीं है? ऐसा क्यों करें? क्योंकि p की ग्रेटर देन 1 बोल रहा है ना, p की वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया आपने, यहाँ 2 डालिए तो 2 के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है? 4 होता है, और 3 के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है? 9 होता है। तो 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है बताइए? 9 ही बड़ा है ना। लेकिन अगर इसको पलट देंगे तो 1 बाई करेंगे, ये भी 1 बाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। जब आप पलटेंगे तो 1 बाई 4 होगा और 1 बाई 9 होगा, 1 बाई 4 और 1 बाई 9 में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे 1 बाई 4 बड़ा है, 1 बाई 9 छोटा है। कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से हम सब कर सकते हैं। तो जो मैंने ये सीरीज लिखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन 1 के पावर p प्लस 1 अपॉन 2 के पावर p प्लस 1 अपॉन 3 के पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो लिखा है आपने, इससे बड़ा मैं ले सकता हूँ। इससे बड़ा मैंने क्या लिखा? ये 1 के पावर p आप खुद लिख सकते हैं, 1 के पावर p तो p ही होता है, 1 बाई 2 के पावर p ही है। इससे बड़ा 1 बाई 3 के पावर p से हम बड़ा क्या ले सकते हैं? 1 बाई 2 के पावर p। इससे बड़ा क्या ले सकते हैं? 1 बाई 4 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 के पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट, हम ऐसे लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 बाई 2 के पावर p, 1 बाई 2 के पावर p, 1 बाई 2 के पावर p, ये gp में है। यहाँ से अगर इसका सम निकालेंगे तो इन्फिनिटी तक अगर आप जा रहे हैं तो a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 बाई 2 क्या है बताइए? R की वैल्यू क्या है बताइए? आप खुद ही बताइए, R की वैल्यू क्या है? 1 बाई 2 के पावर p है क्या? क्या है बताइए? 1 बाई 2 के पावर p, 1 बाई 2 के पावर p है क्या? मुझे बताइए, समझ रहे हैं? सही है, सही है कि नहीं है? सही है भाई, ऐड किया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे इससे हमारा देखिए काम नहीं बन पाएगा, मेरा कहना ये है इससे आप काम नहीं बना पाएंगे। देखिए ये ठीक है, मैं मानता हूं कि हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका सब निकालना हमारे लिए टफ है। 1 बाई 2 के पावर p, 1 बाई 2 के पावर p, पावर देखिए बढ़ना चाहिए, पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो एक काम करिए, ऐसे लीजिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, देखिए मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए ये 2 के पावर p है और ये 3 के पावर p है, तो आप ऐसे यूज करिए इसको, ठीक है ना, ये तो सही है। दोनों तरफ हम 2 के पावर p ऐड कर दें क्या? 1 बाई 2 के पावर p इसको हम ऐड कर दें, दो दो टर्म ले रहा है क्या? फिर अगला क्या, 4 के पावर p, 5 के पावर p, और बस तीन तीन टर्म ले, 4 के पावर p, 5 के पावर p, 6 के पावर p और 7, मतलब 4 4 टर्म ले रहा है। अच्छा वो 4 4 टर्म ले रहा है, मुझे वो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ से। जी जी ये बात तो सही है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हमको कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि अब ऐसे काम करते, बहुत ही सिंपल, देखिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ,
दो दो टर्म के लिए, इसका मतलब दो टर्म यहाँ ले रहा होगा, फिर आगे जो चार टर्म होगा वो चार टर्म ले रहा होगा, ऐसे 16 टर्म ले रहा होगा। अच्छा तो उस तरह से कर रहा है, देखिए ऐसे करते हैं इसको, ठीक है ये हम मानते हैं, लेकिन इसको ऐसे मत लिखिए, इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखिए, क्योंकि इसका सम निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए, इसका जो सम है ना वो सम निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको आप ऐसे करिए, मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, ये उससे भी सिंपल हो जाएगा। अब इसको ऐसे करिए, ये तो पता है 1/2 के पावर पी, 1/3 के पावर पी, ये तो सही है। अब मैं दोनों तरफ 1/2 के पावर पी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने 1/2 के पावर पी ऐड किया, यहाँ भी 1/2 के पावर पी मैंने ऐड किया, इधर भी मैं 1/2 के पावर पी जब ऐड करूंगा तो 1/2 के पावर पी आएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों टर्म की जगह पे मैं ये लिखूंगा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2/2 के पावर पी होगा, ग्रेटर देन होगा 1/3 के पावर पी प्लस 1/2 के पावर पी, ये हमें करना था, एक्चुअली में हमें ये करना था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2/2 के पावर पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म और आइए, एक टर्म और आइए, ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे हम ये लेना चाहते हैं 1/4 के पावर पी, ये लेना चाहते हैं, ठीक है, प्लस 1/ ध्यान से देखिएगा, 1/4 से अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/4 जो होता है 1/4 के पावर पी से बराबर होता है 1/5 के पावर पी, 1/5 के पावर पी जो होगा वो लेस होगा 1/4 के पावर पी से, और 1/6 के पावर पी जो होगा वो भी लेस होगा 1/6 के पावर, 1/4 के पावर पी से लेस होगा, और 1/7 के पावर पी जो होगा वो भी लेस होगा 1/4 के पावर पी से। इनका अगर आप सम करते हैं तो 1/4 के पावर पी यहाँ से मिलेगा, 1/5 के पावर पी यहाँ से मिलेगा, 1/6 के पावर पी यहाँ से मिलेगा, 1/7 के पावर पी हमको यहाँ से मिलेगा, और ये लेस हो जाएगा 1/4 के पावर पी प्लस 1/4 के पावर पी प्लस 1/4 के पावर पी प्लस 1/4 के पावर पी। ध्यान से देखिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4/4 के पावर पी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इतने टर्म मतलब यहाँ से देखिएगा, इस टर्म की जगह पे 2/2 के पावर पी लिखेंगे, लेकिन इसके बाद के जो 4 टर्म्स होंगे उसको मैं इतना लिखूंगा, 4/4 के पावर पी लिखूंगा, समझ रहे हैं। ये भी कर सकते हैं और ये भी सही बात है, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी चीजें कर सकते हैं जी। आप लोग को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप लोग कमेंट आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूंगा सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसका सम ही ऐसे निकलता है, ठीक है, 1/4 के पावर, देखिए अब इसकी बात का 7 है ना, तो 8 से शुरू करिए, 1/8 के पावर पी, 1/9 के पावर पी प्लस डॉट डॉट, कितने तक जाएंगे, 7-8 से शुरू किए तो हमको अगला 8 लेना है, 8 इसी का जस्ट डबल करेंगे, ठीक है, 8/ क्या लिखेंगे, 8 के पावर पी, तो आप लिखेंगे 1/ क्या लिखेंगे, 16 के पावर पी, 8 से शुरू किए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाइए, क्योंकि 15 और 8 15 तक जाइए, ठीक है, 15 तक जाइए, ठीक है, एक कमी रहिएगा, तो 1/15 के पावर पी, इसकी जो वैल्यू होगी आप लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो 8/8 के पावर पी लिखेंगे, मतलब इतने टर्म को हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे छोटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी सीरीज है वो ये है, 1/1 के पावर पी, 1/2 के पावर पी प्लस 1/3 के पावर पी है प्लस 1/4 के पावर पी है प्लस 1/5 के पावर पी है प्लस 1/6 के पावर पी है प्लस 1/7 के पावर पी है प्लस 1/8 के पावर पी है प्लस 1/9 के पावर पी है प्लस 1/10 के पावर पी है प्लस 1/11 के पावर पी है प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें आप 1/15 के पावर पी भी लिखेंगे, 1/16 के पावर पी भी लिखेंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे। मेरा कहना है कि इसको आप ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से आप यहाँ तक ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से आप यहाँ तक ब्रैकेट लगाइए, इनको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इससे बढ़ा लेंगे तो 1/1 के पावर पी लिखेंगे, इसके जगह पे 2/2 के पावर पी लिखेंगे, प्लस करेंगे इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे, 4/4 के पावर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे प्लस 8/8 के पावर पी लिखेंगे प्लस डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आए कि नहीं, ये बात क्लियर है कि नहीं जी, क्लियर है ना,
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जो फ्रेशर जुड़े हैं, मे भी हो सकता है उनको टफ लगे, लेकिन इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका प्रूफ जैसे कुछ ऐसे जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अब ये नहीं आ रहा, इसका डायरेक्ट टेस्ट जो आता है वो आता है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जीपी में है, कैसे ये जीपी में है, कैसे पता किया आपने? इसका इसमें डिवाइड करिए, इसका इसमें डिवाइड करिए, सेम आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे इट इज इन जीपी, कैसे है ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। जीपी में करने के लिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 4 अपॉन क्या लिखेंगे, 4 के पावर p में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, 2 अपॉन 2 के पावर p जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4 अपॉन 4 के पावर p को हम 2 के पावर p बटा 2 कर सकते, 202 काट दीजिएगा यहाँ से, अगर आप काटेंगे तो 2 बटा इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के पावर लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, इंटू 2 के पावर p लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 बटा क्या लिखेंगे, 2 के पावर p इंटू 2 के पावर p इंटू 2 के पावर p करेंगे, काट देंगे तो फाइनली 2 बटा 2 के पावर p मिलेगा। तो ये आपका r है, क्या है r है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू कितना है, 2 अपॉन 2 के पावर p। तो आप s इनफिनिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, s इनफिनिटी की किसकी जो वैल्यू होती है ना, क्या होती है, a अपॉन 1 माइनस r होता है, a अपॉन s इनफिनिटी की बात करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो दो से मतलब लेस देन 1 होता है, आप इसको कहेंगे ना लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब ये आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, लेस देन 1 ही होता है। तो a अपॉन क्या होता है, 1 माइनस r होता है, तो a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 माइनस, आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 के पावर p लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समझ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, जो भी होगा फाइनाइट नंबर, क्योंकि p फाइनाइट है ना, जो भी होगा इसको लिख सकते हो 1 अपॉन, ठीक है, 2 के पावर आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम, तो 2 के पावर p माइनस 2 और ये अपॉन हो जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा, 2 के पावर p ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये 2 के पावर p बटा 2 के पावर p माइनस 2, ये क्या है, फाइनाइट है कि नहीं है, फाइनाइट है ना। दिस इंप्लाइज दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1, ठीक है, p इज इक्वल टू, सॉरी p ग्रेड ग्रेड ये p जो है p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जा रहा है, कन्वर्जेंट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट आ गया ना, तो अगर फाइनाइट आ गया तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब क्या करेंगे, केस सेकंड बनाएंगे, आप देखिए केस सेकंड की बात करिए तो केस सेकंड जो होगा वो क्या होगा, p इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो अगर p इज इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 1 अपॉन क्या मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्या यही है ना जी, प्लस 1 अपॉन क्या है 4 है, प्लस 1 अपॉन क्या है डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सीरीज बताइए क्या है, ये सीरीज हमारा क्या है बताइए, ये सीरीज हमारा क्या है, सर क्लीन नहीं दिख रहा है, क्लीन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अपना वो मोबाइल क्या कहते हैं, आप ये काम करिए ना जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर क्लीन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा काम करिए, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा, क्वालिटी से क्लियर करिए इसको, ठीक है, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चला जाए, ठीक है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले भाई, आप इजाजत है तो आगे चले हम, ठीक है। इसका सम निकालना, तो देखिए सम निकालने का तरीका, सम निकालना ही टफ होता है, सम निकालना ही टफ होता है, ठीक है, बढ़िया, ध्यान से देखेंगे, ये दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए 1/3 जो होता है वो 1/4 से बड़ा होता है, 1/4 जो था बराबर होता है 1/4 से, दोनों को सम करिए 1/3 प्लस 1/4, तो ये बड़ा ही होगा 1/4 प्लस 1/4, इसको लिख सकते 2/4, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, तो आप ये कह सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 से बड़ी होती है, सही बात है। अब अगला दो टर्म लीजिए, ठीक है, 1/5 जो है 1/5 जो है वो बड़ा है किससे, 1/8 से, सही है ना, 8 ही ना लेंगे जी, हाँ 1/6 जो है वो भी बड़ा है किससे, 8 ही लेना, 1/4 तक तो गया ही है, 1/4 प्लस 1/4 तभी तो, हाँ ठीक है, चार टर्म लेंगे, और फिर 1/8 ये भी होगा, फिर 1/7 ये भी बड़ा है 1/8 से, 1/8 जो आएगा वो बराबर हो जाएगा 1/8, सबको सम करिए 1/5 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, ये जो होगा बड़ा होगा
1/8 और 1/8 और 1/8 और 1/8, ये सही बात है ना जी। 1/5 बड़ा होता है ना 1/8 से, 1/6 बड़ा होता है कि नहीं, इसको ऐड करिएगा तो 1/5 1/6 1/7 1/8 ये जो होगा बड़ा होगा 1/2 की पावर। ध्यान से देखिए, ऊपर अगर सम करेंगे तो 1 1 1 4 हो जाएगा, 4/8 काटेंगे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 2, 1/2 कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी क्या मिला 1/2 स्क्वायर मिलना चाहिए था, दो ही टर्म ले क्या, दो ही टर्म लीजिए, 1/4 लिए है ना, दो टर्म लीजिए क्योंकि 1/2 स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है सही है, 1/2 से बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे लीजिए 1/8 हो गया ना, 1/5 6 7 8 ठीक है, 1/9 लीजिए 16 तक जाएंगे, 1/9 ये बड़ा होगा 1/16 से, 1/10 ये भी बड़ा होगा 1/16 से, 1/11 ये भी बड़ा होगा 1/16 से, 1/12 वो भी बड़ा होगा 1/16 से, 1/13 ये भी बड़ा होगा 1/16 से। ठीक है, कितना तक जा रहे हैं, 8 तक जाएंगे, 9 से लेके 16 तक जाइएगा, 1/14 ये भी बड़ा होगा 16 से, 1/15 ये भी बड़ा होगा 1/16 से, 1/16 बराबर होगा 1/16 से, इन सब का सम करेंगे, जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 1/9 + 1/8 + 1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + ……1 इतना 16, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/16 to 1/16 1/16 1/16 1/16 8 बार होगा, 8 बार करिएगा, 8 बार सा पैटर्न बनता है, 2 2 4 6 1 7 1 8 कर लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी 8/16 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो अब जो सीरीज आपका आया है उसको देखिए, 1 + now जो सीरीज है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + ऐसे डॉट 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 है, तो 1 की जगह पे तो हम 1 ही लिखेंगे ना, 1 की जगह पे 1, 1/2 की जगह पे 1, इस पूरे के जगह पे लिखेंगे 1/2, इसके जगह इसके बाद वाला जो टर्म आएगा उसके जगह 1/2, फिर क्या लिखेंगे 1/2, ऐसे ऐसे लिखेंगे कि नहीं बताइए, लिखेंगे कि नहीं बताइए, बताइए लिखेंगे कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसको लिखेंगे 1 + अगर 1/2 1/2 को ऐड करेंगे nth टर्म तक, तो n/2 आएगा कि नहीं आएगा, n/2 ये जो निकाले हैं वो ऐसा निकाले हैं, क्या निकाले हैं, क्योंकि ये जो देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर आप सम की बात कर रहे हैं तो सम की बात करें तो भाई 1/2 बीच में भी तो आएगा, प्लस डॉट ऐसे जाएगा। अब इनको अगर आप सम करेंगे, अगर nth टर्म को 1, देखिए 1/2 है यहाँ पे, 1/2 1/2 1/2 1/2 डॉट डॉट 1/2 है, अगर ये nth टर्म तक जा रहा है, ठीक है nth टर्म तक जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, आप खुद ही बताइए, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐड कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए बताइए, आप खुद ही बताइए, क्या ये इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या ये इन्फिनिटी नहीं होगा, देखिए इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1, 1 1 1 1 1 कई बार ना आएगा 1, तो क्या वो जोड़ जोड़ के इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो ये इन्फिनिटी आ गया कि नहीं, इनका सम फाइनाइट आया कि नहीं, इन्फिनाइट आ गया ना, जबकि फाइनाइट आना चाहिए था, इसीलिए आप बोलेंगे फॉर पी इक्वल टू 1 इट इज कन्वर्जेंट, क्या हो जाएगा, इट इज डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली आप लिख लीजिएगा, सिमिलरली कर लीजिएगा, ठीक है, सिमिलरली p < 1 इट इज आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है ना, ये आल्सो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, आप ये कह सकते हैं, यही हमको प्रूव करना था, क्या 3 केस के लिए हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आप देख सकते हैं, जब p हमारा लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 होगा तो मैंने दिखाया ही था, और ये आप कह सकते हैं जो लेस है, जो यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं, इसकी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है कन्वर्जेंट है, इसको हम पीएफ टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्लियर है, इतने लोगों को समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना,
बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इसको आप कर लीजिएगा, जितने भी चीजें मैंने आपको बताया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आता है वो मुझे जरूर रिप्लाई करें। देखिए अभी यहाँ पे कमेंट में नहीं पता चल रहा है कि किस बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कोशिश करिए एक दो बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है, 1250 रुपये का पेमेंट करिए। सब कुछ मैं कई बार बताया हूँ, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगा अगर आप हमारे साथ आगे जुड़ते हैं। तो हमारा सीरीज का ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अभी सीरीज में हमारा चीजें चलेगा, ठीक है। अभी आज हम लोगों ने कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा है ना, आगे चल के हम और भी टेस्ट आपके सामने पढ़ेंगे, ठीक है। जिस जिनके भी स्कूल में चैप्टर चल रहा है तो वो पढ़िए, नहीं चल रहा है तो भी इसको पढ़िए, जब पढ़ाया जाएगा स्कूल में तो आपके कॉलेज में तो वो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अभी रुके रहे हैं, जस्ट 5 मिनट बाद उनकी जस्ट क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है बच्चे।